नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अपने तीन नेताओं की बड़ी जिम्मेदारी दी है। आपको बताते चले कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी से राज्यसभा सदस्य और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह को आंध्र प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रभारी और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह को सह प्रभारी बनाया है। वहीं बुलंदशहर निवासी राज्यसभा सदस्य सुरेंद्र सिंह नागर को आपको बता दें कि हरियाणा में सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। तो बढ़ते आगे, लखनऊ के रहने वाले अगवा हुए इंजीनियर अखिलेश को मेघालय पुलिस ने बरामद कर लिया है। अखिलेश के लापता होने के बाद में अखिलेश की पत्नी ने सीएम योगी से आपको बताते चले कि अखिलेश को ढूंढ निकालने की भी गुहार लगाई थी, जिसके बाद में सीएम योगी ने अपने समकक्ष मेघालय के सीएम सी सगमा को फोन किया और सी सगमा ने जल्द ही अखिलेश को ढूंढ निकालने का आश्वासन दिया था। इस आश्वासन के कुछ ही घंटे बाद में मेघालय पुलिस ने इंजीनियर अखिलेश को सकुशल बरामद कर लिया है। आपको बताते चले कि सीएम योगी ने इस मामले पर संज्ञान लिया था, जिसके बाद में मेघालय सीएम से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की थी और जिसके बाद में आपको बताते चले कि मैकेनिक के अपहरण मामले पर तुरंत एक्शन लिया गया और कुछ ही घंटों के बाद में अखिलेश को सकुशल बरामद जो है वो भी कर लिया गया है। मेघालय सीएम से बातचीत करने के बाद में ये जो पूरा मामला है वो शॉर्ट हुआ है। साथ ही आपको बताते चले कि अखिलेश की वाइफ सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंची थी और उनसे अपील की थी कि मेघालय में मेरे जो पति हैं उनको अगवा कर लिया गया है, जिसके बाद में मैकेनिक के अपहरण मामले पर एक्शन हुआ और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेघालय के सीएम से बातचीत की है और जिसके बाद में सकुशल अखिलेश को बरामद कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि अखिलेश को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बातचीत की, जिसके बाद में सकुशल बरामद कर लिया गया है। अखिलेश की पत्नी सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाया गया, जिसके बाद में सकुशल बरामद किया गया है। आपको बताते चलें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेघालय में यूपी के नागरिक अखिलेश सिंह के अपहरण मामले को लेकर संज्ञान लेते हुए मेघालय के सीएम से बातचीत की है और गुरुग्राम आपको बताते चलें कि गुरुवार को शाम सीएम योगी ने सगमा से अखिलेश सिंह की सकुशल वापसी के लिए आग्रह किया था और देर रात अखिलेश को बरामद भी कर लिया गया। बागमारा की पुलिस ने बताया कि अखिलेश पूरी तरह से सही सलामत है। आपको बताते चले कि अखिलेश सिंह चौहान जो हैं वो अपहरण के बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेघालय के सीएम से बातचीत की और जिन्हें सकुशल बरामद भी कर लिया गया है। तो सीधा आपको लेकर चलते हैं दिल्ली, जहां पर भूटान दौरे पर हैं पीएम मोदी और द्विपक्षीय मामलों पर यहां पर चर्चा होगी। आपको बताते चले कि आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें भूटान से हैं जहां पर पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं, जहां पर उनका स्वागत भी किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोस प्रथम की नीति के तहत भूटान के साथ भारत के अनूठे संबंधों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से दो दिवसीय राजकीय यात्रा पर पहुंचे हैं। मोदी का पारो हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबके ने उनकी अगवानी जो है वो की है और साथ ही पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से थिम्पू तक के 45 किलोमीटर लंबे मार्ग को भारत और भूटान के झंडों से सजाया गया था और मार्ग के दोनों ओर खड़े भूटानी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया है।
विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा था कि यात्रा भारत और भूटान के बीच नियमित रूप से होने वाली उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा और सरकार की पड़ोस प्रथम की नीति पर जोर देने की कवायद के अनुरूप है। भूटान के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच पर हिंदी में भी लिखा था कि भूटान में आपका स्वागत है मेरे बड़े भाई। इससे पहले मोदी ने भूटान की अपनी यात्रा के बारे में भी पोस्ट किया था। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। नमस्कार। कल रात से जिस प्रकार हाय हंगामा और ड्रामा चल रहा है, खास करके आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर दिल्ली में, वो हम सब देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम नेतागण, अतशी जी से लेकर तमाम नेतागण बाहर आके बयानबाजी कर रहे हैं, झूठ का पुलिंदा देश के सामने रख रहे हैं। आज बहुत तफसील से, बड़े पेशेंस के साथ इस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी आपके सामने रखना चाहती है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अरविंद केजरीवाल आखिर गिरफ्तार क्यों हुए, ये प्रकरण क्या है, गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इन सब विषयों को तथ्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी, जनता जो कि जनार्दन है, जनता जिसके कारण हम हैं, उनके समक्ष रखने वाली है। मित्रों, मैं आपको एक ट्वीट दिखाऊंगा, ये 10 मई 2013 का है। 10 मई 2013 अरविंद केजरीवाल उस समय नए थे हिंदुस्तान की राजनीति में, और उन्होंने ट्वीट किया था, When will people start going to jail in this country? आप देख सकते हैं ये ट्वीट है 2013 का अरविंद केजरीवाल जी का, When will people start going to jail in this country? क्या तात्पर्य था उनका? वो नहीं चाहते थे कि साधारण लोग जेल चले जाए? क्या वो चाहते थे कि रोड चलता किसी भी आदमी को पुलिस, ईडी या सीबीआई उठा ले? नहीं। उन्होंने एक फहरिस्त जारी की थी कि लालू प्रसाद जैसे व्यक्ति, उन्होंने नाम लिया था रॉबर्ट वाड्रा का, उन्होंने नाम लिया था राहुल गांधी का, लिखा था सोनिया गांधी जी का नाम, यहां तक कि मनमोहन सिंह जी को भी छोड़ा नहीं गया था, प्रणब मुखर्जी तक को छोड़ा नहीं गया था। उन सबके नाम के साथ उन्होंने फहरिस्त जारी की थी कि ये लोग जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, आखिर ये जेल क्यों नहीं जा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, हिंदुस्तान की राजनीति को बदलने के लिए मैं मैदान में उतर रहा हूं। जहां भ्रष्टाचार होगा, वहां अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार सहनशाह उतरते थे ना रात के अंधेरे में, और कहीं पाप होता था, कहीं भ्रष्टाचार होता था, कहीं गुंडागर्दी होती थी, तो सहनशाह उसे समाप्त कर देते थे, वो जो मूवी आई थी, उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल कुछ उस किस्म से नीचे उतरे थे कि वो सहनशाह बन के आएंगे और भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे। अन्ना हजारे जैसे दिग्गजों का भी उनके ऊपर आशीर्वाद था। बाद में अन्ना हजारे जी ने ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चिट्ठी लिखी। 2013 में जो प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि भ्रष्ट लोग जेल कब जाएंगे, आज एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों के शासनकाल में इस देश ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना, और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला है। मिस्टर केजरीवाल, पीपल आर गोइंग टू जेल एंड इफ यू आर करप्ट, पीपल विल कंटिन्यू टू गो टू जेल। अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। अब की रीत अलग है, अब की नीत अलग है। आखिरकार अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गए, उन्हें गिरफ्तारी उनकी क्यों हुई, क्यों गिरफ्तार करना पड़ा? लिकर स्कैम, शराब घोटाला। ये शराब घोटाला दिल्ली का क्या घोटाला है, कब शुरू होता है, इसकी टाइमलाइन और जिसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजी क्या है? नवंबर 2021 में अरविंद केजरीवाल
अनाउंस करते हैं कि हम एक न्यू एक्साइज पॉलिसी अर्थात दिल्ली में एक नया शराब नीति लेकर आएंगे, आबकर नीति लेकर आएंगे, एक्साइज पॉलिसी, जिससे कि जो दिल्ली की एक्सचेकर है, दिल्ली का जो खजाना है, वो करोड़ों रुपए से लबालब हो जाएगा, भर जाएगा और दिल्ली को बहुत लाभ होगा। मगर आनन फानन में बिना कैबिनेट के अप्रूवल के और बिना सरकारी अप्रूवल के, जबकि सरकारी डिपार्टमेंट ने कहा था, एक्सपर्ट्स ने कहा था, ये जो आप एक्साइज पॉलिसी ला रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रही है, उचित नहीं है, मत करिए, फंसोगे। ये सब कुछ ताक में रख करके फिर भी नवंबर 2021 में नई एक्साइज पॉलिसी आती है। जुलाई 2022 में दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि ये नई आबकार नीति जो आई है, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जुलाई 2022 में ही जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने सीबीआई की जांच की आदेश दिए। जब सीबीआई की जांच की आदेश हुई, तो आनन फानन में अरविंद केजरीवाल जी ने इस न्यू एक्साइज पॉलिसी को, शराब नीति को तुरंत वापस ले लिया। पहला प्रश्न दिल्ली की जनता ने और हम सब ने पूछा कि केजरीवाल जी, जिस एक्साइज पॉलिसी को आप कहते थे कि ये कमाल का एक्साइज पॉलिसी है और इस एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली के रेवेन्यू को करोड़ों का फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर राजनीति कर रही है, क्या कारण हुआ कि जैसे ही ये जांच के दायरे में आता है, आप तुरंत उसे वापस ले लेते हैं और कोई कारण भी नहीं बताते हैं? तो आज तक वो कारण नहीं बताया गया, उसे वापस ले लिया गया। 19 अगस्त 2022 को आप याद करिए, पहला सीबीआई रेड होता है मनीष सिसोदिया डेप्यूटी सीएम के घर में, और 22 अगस्त 2022 को ईडी फाइल करती है केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस में, कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पैसे इकट्ठे किए गए हैं गैर कानूनी तरीके से। कैसे? कार्टेलाइजेशन अलाउ किया गया है, ये शराब कंपनियों का जो एक जत्था बनाया गया है, जो आपस में एक दूसरे को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, इसके लिए एक्साइज पॉलिसी में प्रावधान किया गया। एक्साइज पॉलिसी पहले इन शराब कंपनी जो कि अरविंद केजरीवाल जी के मित्र हैं, अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त हैं, उनको पहले लीक कर दी गई, फिर उसको ट्वीक किया गया, उसमें बदलाव लाया गया ताकि शराब कंपनी अपने मन मुताबिक इन कानूनों में बदलाव ला सके। जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी होती है, उनके लिए कानून में प्रावधान है कि वो इस टेंडरिंग प्रोसेस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मगर बड़ा दुखद और आश्चर्यजनक विषय है कि न केवल उन्होंने अप्लाई किया, अपितु उन्हें इस पूरे ठेके में शामिल किया गया। केवल इतना ही नहीं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये हर कोई जानता है, वैसे आश्चर्य आजकल होता नहीं है अरविंद केजरीवाल और भ्रष्टाचार के विषय में सुनने से, जो कमीशन इन शराब ठेकेदारों का बढ़ाया गया, पहले ये 5% पे था, 5% कमीशन ठेकेदारों को दिया जाता था, 12% कमीशन कर दिया गया, और इसमें बातें सामने आई कि लगभग 6-7% कमीशन बैकडोर एंट्री होकर ये ब्लैक मनी के रूप में आम आदमी पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, उनको दिया गया है। करोड़ों रुपए इस माध्यम से दिए गए हैं। इसके लिए दिनेश अरोड़ा जी इत्यादि आपके सामने, जो जिन लोगों ने ये किया है, वो अप्रूवर भी बने हैं और उनकी स्टेटमेंट आज पब्लिक डोमेन में है। मार्च 2023 में अंततोगत्वा मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होती है ईडी द्वारा। अक्टूबर 2023 में इसी केस में संजय सिंह जी की भी गिरफ्तारी होती है और अक्टूबर 2023 में ही समन भेजा जाता है, पहला समन अरविंद केजरीवाल जी को, कि अरविंद केजरीवाल जी, प्रथम दृष्टिया प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि मनीष सिसोदिया भी इन्वॉल्व है, संजय सिंह भी इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो विजय नायर जो कि कम्युनिकेशन हेड हैं आम आदमी पार्टी के, और बाकी जो ठेकेदार जो अप्रूवर बने हैं, उनके स्टेटमेंट से लग रहा है कि आप भी इसमें हिस्सेदार हैं, तो आप आइए और हमारे सामने पेश होइए, आपको ये हम लिबर्टी देते हैं, आप अपने विषय को रखिए। समन नंबर 1 जब अक्टूबर 23 को आया, तब से लेकर अब तक 9 समन आए हैं। आश्चर्य का विषय है
एक भी समन में अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट रहती है और वो बार बार कहते हैं कि ये इलीगल है, ये समन इलीगल है, इस समन के आधार पर मैं प्रस्तुत नहीं हूंगा। मैं कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूं, मुझे कैसे समन किया जा सकता है। आज गुरूर टूटा है। इस देश का कानून कहता है चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे आम आदमी हो, यदि आपने कानून के मुताबिक काम नहीं किया है, कानून को तोड़ा है और समन किया जाएगा, तो आपको समन का सम्मान करना है, आपको आके प्रस्तुत होना है। अरविंद केजरीवाल नहीं आए, बीच में क्या हुआ आप देखिए, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, इन सारे विषयों को लेकर कई बार, ऐसा कोई कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जिन कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई इनकी बेल को लेकर और शराब घोटाले के विषय को लेकर। मैं कुछ, मुझे लगता है हम तो पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे ऊपर बायसनेस का आरोप लग सकता है कि चलिए आप बीजेपी से प्यार करते हैं, आम आदमी पार्टी आपकी ओपोनेंट है, आप तो बायस्ड बयान देंगे। बट द कोर्ट्स आर नॉट बायस्ड, आई हैव स्टेटमेंट्स ऑफ द कोर्ट इन माय हैंड। व्हाट डज द कोर्ट से इन केस ऑफ सिसोदिया'स बेल? मिस्टर सिसोदिया प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड हैड बीन डीपली इन्वॉल्व इन फॉर्मुलेशन एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेट पॉलिसी टू एंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। कोर्ट कहती है कि जो सिसोदिया साहब है, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुआ दिल्ली की जनता को लूटने का, और इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सिसोदिया साहब संलिप्त है। सिसोदिया साहब को बेल नहीं दिया जा सकता है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में वो अक्यूज्ड है। आप सोचिए, ये दिल्ली की कोर्ट कहती है, ये छोटा विषय नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट क्या कहता है? दिल्ली हाईकोर्ट कहता है एलिगेशंस आर वेरी सीरियस इन नेचर। जब बेल को रिजेक्ट किया गया और सारे तथ्यों को देखा गया, तथ्यों के आधार पर सुनवाई हुई, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, दीज एलिगेशंस आर वेरी सीरियस इन नेचर। इतने सीरियस एलिगेशंस हैं और आम आदमी पार्टी नाटक नौटंकी करने में लगी है। शुड देयर बी एन इन्वेस्टिगेशन, अ फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड एलिगेशंस दैट आर सीरियस, और शुड देयर बी हाई ड्रामा, हाई वोल्टेज ड्रामा on allegations that are serious? This is for the people of Delhi and this is for the people of the country to decide. Investigation mahatvapurna hai ya drama mahatvapurna hai? Jab allegations bahut serious hain, ye Hindustan ke liye sochne ka vishay hai. Keval itna hi nahi, Sarvochcha Nyayalay, Supreme Court mein jab ye pura vishay jata hai, Manish Sisodia ji ke bail ka, excise policy ke case mein Sanjeev Khanna, Justice Sanjeev Khanna, उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में एक वाक्य कहा जो यहां मैं पढ़ना चाहूंगा और जो मुझे लगता है इट वॉज दी मेन रीजन एज टू व्हाई द होल ऑफ कंट्री टुडे नोज द फैक्ट। इट वॉज द नेल इन द कॉफिन एंड द सेंटेंस इज, जस्टिस खन्ना एससी सेड, वन एस्पेक्ट रिगार्ड टू द ट्रांसफर ऑफ मनी 338 करोड़ इज टेंटेटिवली एस्टैब्लिश्ड, वी हैव डिसमिस्ड द बेल। बेल को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया का सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, एक मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हुआ है और वह भी 338 करोड़ रुपया का मनी ट्रेल एस्टैब्लिश होता है, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू यह सुप्रीम कोर्ट तक महसूस करती है और तभी मनीष सिसोदिया को बेल नहीं देती है। जिस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मनी ट्रेल के बारे में बात किया, आप बताइए क्या वो व्यक्ति गिरफ्तार होना चाहिए या नहीं? उसका जो किंग पिंग है, सरगना है, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होना चाहिए या केवल वह एक मुख्यमंत्री है, वह एक साधारण आम आदमी नहीं है, इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए? इतना ही नहीं, आप सभी जानते हैं कि सीएजी की भी रिपोर्ट आई थी। सीएजी की रिपोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेकर बड़ा स्पष्ट मत रखा कि 2002 करोड़ रुपए का नुकसान इस न्यू एक्साइज पॉलिसी के कारण, इस नए आबकार नीति के कारण दिल्ली के खजाने को, दिल्ली के एक्सचेकर को हुआ है। 2002 से
2002 करोड़ से अधिक का नुकसान होता है दिल्ली के खजाने को, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? डू वी हैव अ चीफ मिनिस्टर हु ओनली एंजॉयज द पर्क्स ऑफ बींग द चीफ मिनिस्टर, हु स्टेज इन अ शीश महल, हु कैन बिल्ड पैलेसेस फॉर हिमसेल्फ, बट हु वुड नॉट बी अकाउंटेबल फॉर द लॉस ऑफ मोर देन 2000 करोड़ इन अ पॉलिसी विच हैज बीन ड्राफ्टेड बाय हिम? क्या दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अपने लिए महल बना सकते हैं, शीश महल में रह सकते हैं, जेड प्लस सिक्योरिटी में घूम सकते हैं, किंतु 2000 करोड़ से अधिक नुकसान जो दिल्ली को हुआ है, दिल्ली के खजाने को हुआ है, यदि उस पे उनसे सवाल पूछा जाए, उससे उनसे जवाब मांगा जाए, तो वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे, तो वो ड्रामा करेंगे? नो मिस्टर केजरीवाल, इट इज हाई टाइम दैट द पीपल इन दिस कंट्री हु आर एम्ब्रॉयल्ड इन करप्शन नीड टू बी अरेस्टेड, एंड यू हैव बीन अरेस्टेड। हाल फिलहाल में 2 दिन पहले जब के कविता को, जो बीआरएस पार्टी की हैं, उनको अरेस्ट किया गया, उनसे जांच पड़ताल किया गया, उनसे इंट्रोगेशन किया गया, पहली बार ईडी ने जो प्रेस रिलीज जो पब्लिक डोमेन में है उसे रखा, दे यूज द वर्ड कॉन्स्पिरेटर फॉर मिस्टर अरविंद केजरीवाल, कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे के पूरे एक्साइज पॉलिसी में, शराब घोटाले में एक कॉन्स्पिरेटर है, वो सरगना है, वो षड्यंत्रकारी है, जो साउथ ग्रुप, जो कई कंपनियों का एमलगमेशन है, ये जो साउथ ग्रुप के कविता की थी, किस प्रकार से बैकडोर लगभग 100 करोड़ रुपए उन्होंने अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के मित्रों को दिया, इसका भी ट्रेल ईडी ने बखूबी एस्टैब्लिश किया है, जिसका जिक्र ईडी ने अपने प्रेस रिलीज में दिया है कि कौन सा वो व्यक्ति था, कहां से बैग उठाया गया, वो बैग कहां गया और उसमें कितने पैसे थे, ये सारी चीज पब्लिक डोमेन में है। तो स्वाभाविक रूप से इन सभी चीजों को देखते हुए कल दिल्ली हाईकोर्ट ने, जब 21 तारीख को दिल्ली हाईकोर्ट इमीडिएट रिलीफ के लिए अरविंद केजरीवाल गए थे, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, वी हैव हर्ड बोथ साइड्स एंड वी आर नॉट इंक्लाइंड एट दिस स्टेज टू ग्रांट प्रोटेक्शन, द रेस्पॉन्डेंट इज एट लिबर्टी टू फाइल अ रिप्लाई। प्रोटेक्शन के लिए मुझे गिरफ्तार न किया जाए, मैं खास हूं, मैं आम नहीं हूं, मैं गिरफ्तार नहीं हो सकता हूं, जब इस विषय को लेकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट गए, दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं, और तथ्यों को देखने के बाद कहा, जब देश की अदालत कहती है कि तथ्यों में फैक्ट्स है, फैक्ट्स तथ्य एक ही होते हैं, कागजों में फैक्ट्स है, तथ्य है, जो भी सबमिशन ईडी ने किया है उसको देखने के बाद तो आपको प्रोटेक्शन नहीं दिया जा सकता है, उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है, अरविंद केजरीवाल जी, आपने प्रथम दृष्टिया गलत। बीजेपी ने चुनाव प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी करते हुए 9 उम्मीदवारों की घोषणा की है। कोयम्बटूर से अन्नामलाई की बीजेपी ने चुनावी मैदानी में उतारा है। आपको बताते चलें कि बीजेपी की इस लिस्ट में राज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाली तमिलीसाई सौंदरराजन का नाम शामिल है। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। चेन्नई साउथ तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलीसाई सुंदरराजन को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं कोयम्बटूर से बीजेपी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई चुनाव लड़ेंगे, और साथ ही बीजेपी ने इस लिस्ट में 9 नामों की जो जगह है वो दी हुई है, जैसा कि आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर पार्टी ने 9 नाम जो है तमिलनाडु के जारी किए हैं, जिसमें से चेन्नई साउथ से तमिलीसाई सुंदरराजन, चेन्नई सेंट्रल से विनोद पी सेल्वम और वेल्लोर से एसी षणमुगम और साथ ही कृष्णागिरी से सी नरसिम्हन और नीलगिरी से एल मुर्गुन शामिल हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।